वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो हूँ रिमिंगटन स्ट्रेटनर का रिव्यू लेकर आई हूँ, क्योंकि रिमिंगटन स्ट्रेटनर जो है मैं अपने लिए परचेज़ करने गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है इसका रिव्यू शेयर कर दिया जाए। तो ये शॉप है जहाँ से मैं ले रही थी, इनके पास आप देख सकते हैं डिफरेंट वेराइटी है स्ट्रेटनर की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये मैंने जो है अपने लिए रिमिंगटन का ये सिल्क एंड कर्ल वाला जो है लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसकी पैकिंग है। और ये जो लड़कियों के आपको जो हेयर्स के स्टाइल नज़र आ रहे हैं, ये हम सारे जो है इस स्ट्रेटनर से बना सकते हैं। मतलब बताने का ये है कि ये जो लड़कियों ने बनाए हुए, इसे आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लूज कर्ल भी कर सकते हैं एंड सिल्क कर्ल भी कर सकते हैं, वाट एवर, ठीक है। इसकी ब्लेड्स बहुत प्यारी हैं, इसका कलर बड़ा प्यारा है, ब्लैक एंड जो है ना मतलब मेटालिक सिल्वर सा कलर है इसका। और ये इसकी पैकेजिंग है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी प्राइस एंड ईच एंड एवरीथिंग कितनी थी। अंदर से कुछ जो है आपको ये डब्बे के अंदर जो है ना ये स्ट्रेटनर और इसका जो है ना आजकल इन्होंने पाउच की जगह जो है ना ये होल्डर लगा दिया है, तो ये होल्डर मिला है और साथ ये जो है मुझे स्ट्रेटनर मिला है, ठीक है। तो अब ये है, अच्छा इसका जो टेम्परेचर है ना वो आप लोग जो है 230-240 तक भी कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है और ये नीचे इसका लॉक का बटन है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे खुल जाएगा, और प्लस माइनस जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाना हो कम करना हो आप कर सकते हैं। और ये जो है इसका होल्डर है, इसमें आप इसको रख सकते हैं, और इसको ये ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करना है तब भी आप इसको इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अच्छा एक और बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कभी भी बालों को स्ट्रेट करने से पहले ना हमेशा कोई भी हेयर ऑयल या हेयर सीरम ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो मेथिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या अगर ज़रा नॉर्मल रेंज में रह के यूज़ करें तो आप लिवॉन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है स्ट्रेटनर करने से पहले जो है अपने वेट हेयर्स में जो है ना मस्ट है कि आपने कोई भी सीरम लगाना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के बाल जो है ना जलें या डैमेज ना हो, ठीक है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस जो है 13,000 जो है 200 के करीब ये मिला है, मतलब कि 13,200 का मुझे पड़ा है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, तो इनकी प्राइसेस भी डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ भी हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि फिर इसको अभी ले लूं, क्योंकि अगर आप इसको एक दफ़ा एक चीज़ अच्छी में इन्वेस्ट कर लेंगे ना, तो ये है कि आप लोगों का ये लाइफ टाइम मतलब 7-8 साल या 10-9 साल ये आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा स्ट्रेटनर है। ये प्रोफेशनली सैलॉन्स में भी यूज़ होता है और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा चैनल को।